एचसी वर्मा की कहानी, एचसी वर्मा की जुबानी। पिछली बार मैंने एक कहानी शुरू की थी जिसे आज आगे बढ़ाना है। मेरे बड़े भैया की साइकिल, ये अपनी माता जी से पूछ करके, भैया की अनुपस्थिति में उनसे बिना पूछे हुए मैं निकाल के ले गया घर से और सड़क पर ले गया, मेन रोड पे। और उस मेन रोड पर ट्रैफिक के अंदर में पहली बार मैं सड़क पर साइकिल लेकर निकला था, और वो भी मेन रोड के ऊपर, और इतने ट्रैफिक के बीच में मैंने अपनी कैची स्टाइल में उसको चलाते हुए, और वहाँ से गांधी मैदान जो लगभग 2.5-3 किलोमीटर होगा वहाँ तक मैं उसको ले गया बिना बीच में परेशान हुए। गांधी मैदान पटना का बहुत प्रसिद्ध मैदान है और बहुत बड़ा मैदान है, और जितनी बड़ी सभाएं होती हैं वो सब वहीं पर होती हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था उस समय वहाँ पर लाखों की सभाएं हुआ करती थी, ऐसा अखबारों में लिखा जाता था। तो बहुत बड़ी सी उसकी पेरिफेरी थी, और उसके चारों बगल सड़क है। जो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने बाईं तरफ टर्न लेकर के और उसकी पेरिफेरी पर चलना शुरू कर दिया साइकिल चलाते हुए, और वो भी चला, और वो भी लगभग 270 डिग्री घूमने के बाद। और वापस जिस समय मैं पहुंच रहा था अपने अशोक राज का राजपथ पर, उस समय में वहां पर एक कच्ची सड़क पर मुझे उतरना पड़ा। पक्की सड़क के बगल में कच्ची सड़क हुआ, कच्ची कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो कुछ ट्रैफिक पीछे से आया होगा तो हमें, मुझे बाईं तरफ होने के लिए उस कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा। वो तो ठीक था, वो चला, लेकिन उसके बाद जब वापस मैं उससे पक्के रास्ते पर चढ़ने लगा कच्चे रास्ते से, तो उस एज के ऊपर साइकिल का चक्का जो है वो कुछ फंसा और साइकिल धड़ाम, एक तरफ साइकिल एक तरफ मैं, राहगीरों ने मुझे उठाया और उठा करके और साइकिल को उठा करके किनारे किया। क्षत विक्षत हो गया था घुटना और पैर के कुछ अंश और केहनियाँ, इन सब जगहों पर से रक्त प्रवाह चल रहा था थोड़ा थोड़ा, मामूली मामूली, और लोग कर ही रहे थे मेरी सेवा। तब तक मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है, इतना उतना तो चोट लगती रहती है। और मैंने साइकिल फिर से पकड़ी और फिर से अपना उसको चलाना शुरू कर दिया, और वहां से चलाता हुआ मैं अपने वापस चाईटोला के घर उसी तरह चलाता हुआ साइकिल वापस पहुंच गया। और पहुंच करके साइकिल को अंदर किया मैंने, घर के अंदर किया, और माता जी ने जब देखा ये हाल हो गया तो उन्होंने फिर सब घाव धोए जो चोट लगी थी, और कुछ उसके ऊपर दवा लगाई, कुछ रुई वुई लगाई, जो कुछ भी करना था उस समय में उन्होंने किया। लेकिन बड़ी समस्या ये थी, और ये हमेशा होती है बच्चों को, कि अगर हम इस प्रकार का कोई काम करते हैं और जिसमें कि बड़ों की अनुमति नहीं ली हुई होती है, और उसके बाद कुछ चोट वोट लग जाती है कुछ, फिर एक बड़ी समस्या रहती है कि हम बताएंगे कैसे, और जब बताएंगे तो फिर डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, उसका ज्यादा अपने को उसकी चिंता अधिक रहती है बजाय इसके कि मेरे को क्या हो रहा है और कहाँ दर्द हो रहा है और कहाँ चोट लगी है। तो उसी परिस्थिति में मैं भी था, और मैं यही सोच रहा था कल भैया आएंगे तो उनको बताना होगा, तो फिर कैसे क्या होगा, प्रणाम क्या होगा। और माता जी ने मेरे को इस उलझन में भी देखा, उस कष्ट में भी देखा, शारीरिक भी कष्ट है, मानसिक भी उलझन है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कोई नहीं, तुम भैया से बता देना, मैं भी कह दूंगी कि यहाँ सीढ़ियों से मैं गिर गया था तो उसके कारण से ये चोट लगी है। 2 मंजिल का तो अपना घर था ही, और सीढ़ियाँ भी जो थी वो ऊंची ऊंची और पतली पतली इस प्रकार की सीढ़ियाँ थी, तो ऐसा उन्होंने मेरे को सुझाव दिया। लेकिन मुझे वो ठीक नहीं चचा, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो झूठ बोलना तो नहीं चाहिए, तो मैं, भैया आएंगे तो मैं तो बता दूंगा कि मैं आपकी साइकिल लेके गया था और ऐसे ऐसे हो गया। क्योंकि मेरा नाम जो रखा था हरिश्चंद्र, मेरे पिताजी को उस पर बहुत गर्व था, और बचपन में उसकी कहानियां सुन सुन करके मुझे भी अपने नाम के ऊपर बहुत गर्व रहा, और सच बोलना ये बहुत छुटपन से अंदर घुस गया था कि मुझे सच बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, झूठ के रास्ते नहीं चलना है। तो अगले दिन जब भैया अपने प्रवास से लौटे और मेरे को देखा कि कहीं कहीं चोट लगी हुई है, कहीं कहीं पर छिला हुआ है, कहीं कहीं पर कुछ दवा वगैरह लगी हुई है, तो पूछा उन्होंने ये क्या हुआ, ये क्या हुआ।
तो मैंने सारी कहानी उनको सच्ची सच्ची बता दी कि ऐसा 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 कल मैंने किया और ऐसा ऐसा हो गया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बिल्कुल भी उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने हमारी पिटाई नहीं की और समझाया मुझे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था। उसके बहुत सारे उन्होंने तर्क वितर्क दिए, लेकिन मुझे उन सब में कोई किसी तर्क में और किसी उनके उपदेश के अंदर में रुचि नहीं थी। लेकिन यही एक मेरे लिए बड़े आश्चर्य और कुतूहल का विषय था कि आज भैया नाराज नहीं हुए, और बड़ी शांति का भी विषय था, बड़े आह्लाद का भी विषय था कि कुछ बड़ा नाटक नहीं हुआ और मेरे ऊपर बहुत सारे आक्षेप लग सकते थे जो कि नहीं लगे। तो इस प्रकार से करके वो साइकिल का एपिसोड जो है वो पूरा हुआ। उसके बाद से तो फिर वो साइकिल मैंने दोबारा बहुत पता नहीं कब निकाली होगी, नहीं निकाली होगी, कब भैया ने कभी कुछ कहा होगा। हाँ, थोड़ा साइकिल चलाने का अपना जो अभ्यास स्कूल में चलता था वो चलता रहा। तो ये एक कहानी है। और ये जो सच बोलने के संस्कार हैं और अच्छी बातें करने, अच्छे काम करने के संस्कार हैं, ये बचपन से परिवार ने मुझको दिए, बहुत बचपन से, बिल्कुल छुटपन से, समस्तीपुर से। समस्तीपुर में मैंने अपने पिताजी को जिस प्रकार से काम करते हुए देखा, जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए देखा, जिस प्रकार से सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए देखा, वो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं घुसा हुआ था। माता जी हमारी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कार देने में उनका भी कोई सानी नहीं था। उन्हीं के साथ में चूंकि ज़्यादातर समय रहा करता था, रात को सोया भी करता था उन्हीं के साथ में, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाना, सोते समय में वो हम लोगों से कहलवाती थी कुछ 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 बातें ईश्वर के प्रति की है, ईश्वर दिन भर में हमने जो कुछ काम किया है उसका आकलन करके और उसमें से जो गलत काम हो गए उनके लिए क्षमा और आगे से नहीं होंगे उसकी एक उसका एक निश्चय। ये प्रतिदिन रात का हम लोगों का रूटीन हुआ करता था जो भी हम लोग वहाँ होते थे बच्चे। इसी प्रकार से सवेरे उठने के बाद फिर अपनी हथेलियों को देख करके कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तू सरस्वती, इस प्रकार का वंदन करना, ईश्वर को याद करना, अपने हाथों से क्या काम करना है, मुझे किस लिए ये हाथ मिले हैं अपने को, ये सब बातें हुआ करती थीं। हमारे पिताजी तरह तरह की कहानियां कहा करते थे, शिक्षाप्रद कहानियां कहा करते थे, जहां से जीवन के संस्कार मिलते गए। कल्याण नाम की मासिक पत्रिका हमारे घर पर आया करती थी, बड़ी अच्छी अच्छी उसमें सुंदर सुंदर कहानियां हुआ करती थी और सुंदर सुंदर तस्वीरें हुआ करती थी, तो वो पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता था और वो भी बड़ी शिक्षाप्रद कहानियां हुआ करती थी, तो उन सब से अपने को संस्कार मिलते थे। ये सब करके और एक हमेशा एक सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना है। पुनर्जन्म मिलेगा तो मनुष्य का शरीर फिर से मिलेगा, उसके लिए आवश्यक होगा, प्री रिक्विजिट होगा कि इस जन्म के अंदर में हम अच्छे काम करें, कोई खराब काम नहीं करें। तो ये तमाम प्रकार के जो अपने समाज के अंदर में प्रचलित तरीके हैं लोगों को सही रास्ते पर रखने के, उन सबका भी अनुभव, उन सबका भी अपने ऊपर उसका उपयोग, ये सब बच्चों के इसके अंदर में हमारे वो सब होता रहा। एक और चीज मैं बताऊं अभी कि मेरे बड़े भैया जब वहां थे चाइंडोला में, उस समय में वो कुछ प्रकाशन में भी कुछ लिखते थे गणित में। वो एक नोवेल्टी एंड कंपनी करके एक पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी भी हैं। खजांची रोड अशोक राजपथ से आप चलें तो खजांची रोड के मोड़ से थोड़ा पहले एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, कुछ 7 मंजिल की या 8 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग है। नोवेल्टी एंड कंपनी का अभी भी बोर्ड वहां पर लगा हुआ है। तो जिस समय में चाइटोला में हम लोग थे, उस समय में वो 7 मंजिल की बिल्डिंग नहीं थी, वो 2 ही मंजिल की बिल्डिंग थी और वो एक पब्लिशिंग हाउस था। और वहां से हमारे भैया ने कुछ किताबें लिखी थी जिसको उन्होंने पब्लिश किया था। और वो किताबें सामान्यतः वहाँ जो मैथमेटिक्स के अंदर में, गणित के अंदर में प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता था, डिग्री कोर्स कहा जाता था, BSc, तो इन सब के परीक्षाओं के लिए सवाल का अभ्यास कराना, ये उन किताबों का मुख्य टारगेट हुआ करता था। तो जब उसके प्रूफ आया करते थे उस प्रेस में, जब कंपोज होती है किताब, तो फिर जो लेखक होते हैं उनके पास वो
पन्ने आते हैं देखने के लिए कि ठीक कंपोज हुआ कि नहीं, उसको प्रूफ कहते हैं, तो प्रूफ आया करते थे। सामान्यतः 16 पेज का एक यूनिट होता है जिसको फर्मा कहते थे, तो एक फर्मा आया तो 16 पेज आएंगे, दो फर्मा का भी आ गया तो 32 पेज आएंगे। तो ऐसे वो प्रेस से एक व्यक्ति वो प्रूफ लेकर के 16 पेज या 32 पेज जो भी है उसका एक गोल गोल पुलिंदा बना करके और उस पर रबर बैंड लगा करके और वो लेकर के आया करता था, जो कि हमें हमारे यहाँ दिया जाता था। और फिर हमारे भैया उसको देखते थे कि वो ठीक कंपोज हुआ कि नहीं, जो पुराना प्रूफ है जिसमें उन्होंने करेक्शंस किए होंगे वो भी साथ में होता था। तो इस प्रकार से एक फर्मे का दो फर्मा हो जाता था, दो का चार हो जाता था, तो ऐसा वो बंडल आता था। और फिर यहाँ से जब वो देख लेते थे तो वो भी उसी प्रकार से वो उसको गोल गोल रोल करके और उस पर रबर बैंड लगा करके वो भी एक पुलिंदा बना करके छोड़ते थे। तो प्रेस का व्यक्ति अपना पुलिंदा यहां देता था और हमारा पुलिंदा लेकर के प्रेस में जाता था। क्योंकि हम लोगों का दो मंजिल का मकान था, भैया का स्टडी रूम ऊपर था और हम लोग भी ज्यादातर ऊपर ही रहते थे, तो ये पुलिंदा लेने और देने की जो प्रक्रिया होती थी वो भी बड़ी रोचक है। एक रस्सी बनाई गई थी और जो दूसरी मंजिल से बालकनी थी सड़क की ओर, जब वो आकर के और बेल बजाता था या खटखटाता था तो हम लोग एक रस्सी लेकर के और उस रस्सी में भैया के देखे हुए प्रूफ के पुलिंदे को बांधते थे और उसके बाद उसको लेकर के और बालकनी में आते थे। ये काम मैं ही साधारणतः ज्यादा करता था और बालकोनी में आकर के उस पुलिंदे को नीचे की तरफ लटका करके और फिर दोनों हाथों से रस्सी को ढीला करते हुए नीचे सरकाते हुए और उस पुलिंदे को हम नीचे भेजा करते थे। और जब वो नीचे पहुंच जाता था तो हम रस्सी पकड़ कर खड़े रहते थे और वो जो प्रेस का व्यक्ति होता था वो उसको खोल करके और उसमें से पुलिंदा निकाल करके और जो वो नया प्रेस से लेकर के आया होता था उस पुलिंदे को उसमें लगा देता था। और फिर जब उसने टाइटली उसको लगा दिया तो ऊपर से फिर हम अपने दोनों हाथों से रस्सी को ऊपर की तरफ खींचते हुए वो पुलिंदा लेकर के और आते पहुंचता था हमारे हाथों में, फिर उसको भैया के टेबल पर निकाल करके हम लोग रख देते थे, मैं रख देता था और जो रस्सी है उसको भी सुरक्षित बगल में रख देता था अगली बार के लिए। तो इस तरीके से वो एक जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस प्रकार के होते हैं कि रस्सी में कोई द्रव्यमान बंधा हुआ है, कोई मास बंधा हुआ है, कोई वस्तु बंधी हुई है और एक व्यक्ति उसको ऊपर से खींचता है या घिरनी के ऊपर से होकर पुली के ऊपर से वो जाती है और वगैरह वगैरह, उस तरह का जो मोशन है उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव मेरे को उसी समय से होने लगा था। और आज अगर उसको मैं एनालाइज करूं तो बहुत सारे सवाल उस पर मैं खड़ा कर सकता हूं कि जब हम खींच रहे हैं ऊपर उस समय कितना औसत बल लगा रहे हैं, जिस समय हम ढीला करके उसको नीचे ले जा रहे हैं उस समय हम कितना औसत बल लगा रहे हैं, बीच के समय में कब त्वरण हो रहा है और कब अवमंदन हो रहा है, इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो उसका एक जो प्रारंभिक अनुभव, एक व्यावहारिक अनुभव था वो मेरे को उस समझिए 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल की उम्र के अंदर में होना शुरू हो गया था। ये भी एक रोचक कथा है।